हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में जिला धमतरी की तरफ से कुटुंब न्यायालय की तरफ से सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें सहायक ग्रेड 3 और भृत्य के पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 3 जून 2024 इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, अप्लाई किस प्रकार से करना है, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय जिला धमतरी छत्तीसगढ़ सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन 4 मई 2024 यह विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जून 2024 शाम 5 बजे तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन यहाँ पर मंगाए गए हैं। पदों का विवरण यहाँ पर देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष साक्ष्य लेखक सेल अमीन के लिए 2 पोस्ट है और भृत्य के लिए 1 पोस्ट। टोटल 3 पोस्ट यहाँ पर से निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पर देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए लेवल 4 यानी कि 19,500 से 62,000 के बीच में इसकी सैलरी रखी गई है। प्रति माह का ये वेतन है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्रा लेखन का ज्ञान होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी बोली और स्थानीय भाषा का ज्ञान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। भृत्य के लिए यहाँ पर 15,600 से 49,400 के बीच में वेतन लेवल 1 का यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। इसमें 8वीं कक्षा बोर्ड से यहाँ पर पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात 8वीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण है, साथ में छत्तीसगढ़ी बोली या स्थानीय भाषा का ज्ञान है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले यह चेक कर लें कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं। जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया है उसे आप जाँच कर लें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करें। इसमें आयु की गणना 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम आयु यहाँ पर 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 30 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों की उम्र 35 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है और यहाँ पर 35 वर्ष में अधिकतम आयु सीमा को मिलाकर यहाँ पर 5 वर्ष यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। आयु में छूट के संबंध में यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ लीजिएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। यदि आप एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको अलग अलग लिफाफे में आपको अपना आवेदन डालकर उसे जमा करना होगा और यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को 3 जून 2024 शाम 5 बजे तक से बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आपको आवेदित पद का नाम लिख देना है और कार्यालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय धमतरी छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको ले जाकर अपना आवेदन आपको डाल देना है। केवल और केवल ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही यहाँ पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। डाक के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा और अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर आवेदन प्राप्त होगा तो उस पर भी विचार नहीं किया जाएगा। 3 जून तक ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। आवेदन के साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए आपको जो है जन्म प्रमाण पत्र या फिर 5वीं या 8वीं या 10वीं जिसमें जो है जन्म तिथि अंकित हो वो भी आपको स्वप्रमाणित करके संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने नियोक्ता या विभाग प्रमुख से इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य है एप्लीकेशन के साथ में। चयन की विधि प्रक्रिया सभी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, किस प्रकार से इसका चयन लिया जाएगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। भृत्य पद के लिए यहाँ पर कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा और साथ में साक्षात्कार लिया जाएगा, इसके संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जिसे आप यहाँ पर से रीड कर सकते हैं। सही सही जानकारी आपको एप्लीकेशन में फिलअप करना होगा, गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको समय समय पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करना होगा, जिसमें आपको पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन और अन्य जानकारी आपको मिल जाएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन स्वयं चेक कर सकते हैं, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर आपको समय समय पर इसके लिए
जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहना होगा, या फिर आप कार्यालय में जाकर वहाँ नोटिस बोर्ड में भी आप समय समय पर चेक कर सकते हैं इसके आगे की जानकारी के लिए। इसमें जो परीक्षा ली जाएगी उसका जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया है, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष सेल अमीन साक्ष्य लेखक और वृत्त पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज नवीनतम फ़ोटो आपको लगाना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना है, इसके बाद अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर में लिखना है, और जेंडर लिख देना है, पिता या पति का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय की जानकारी भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, मैरिटल स्टेटस डाल देना है, क्वालिफिकेशन डिटेल और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी संवर्ग है तो यहाँ पर जो है अनुभव होना अनिवार्य है, कार्य अनुभव का विवरण होना यहाँ पर अनिवार्य है वृत्ति पद के लिए, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर डाल देना है, उसकी जानकारी डाल देना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप इसमें एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर लगा देनी है, दिनांक स्थान लिख देना है, अपना सिग्नेचर, पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर सभी आपको लिख देना है। लास्ट में घोषणा पत्र यहाँ पर दिया गया है, इसमें भी स्थान दिनांक लिख देना है, आवेदक का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर सभी आपको फिलअप कर देना है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। आगे देख लेते हैं, इसके लिए एडमिट कार्ड का यहाँ पर प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं, परीक्षा में जाने से पहले आप ये निर्देश पूरी तरह से पढ़कर जाएं। इस प्रकार से यह पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं सहायक ग्रेड 3 या वृत्ति के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ये PDF आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से भी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसकी जानकारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दी गई है। अगर आपने अन्य जॉब अपडेट नहीं देखे हैं तो वो चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपने मेरे जॉब अपडेट की पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट दी गई है, वहां से भी आप मेरे पिछले वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उनके लिए भी एलिजिबल होंगे तो अप्लाई आप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।